हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये देखिए, हमारी ननद जी लगी हुई हैं रोटी बनाने में। ओह तेरी लाइट भाग गई, सारी रात लाइट नहीं आई। जरा सी बारिश हुई और जरा सी बारिश के चक्कर में लाइट भाग गई, सारी रात लाइट नहीं आई। और गर्मी बहुत हो रही थी, उमस वाली गर्मी। तो आज हम जा रहे हैं एक नई डिश बनाने, बेसन की बर्फी की सब्जी। तो हमने आधा काम कर लिया है क्योंकि मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रही थी, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था तो इसलिए वो चीज़ मैं दिखा नहीं पाई। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या किया था हमने। तो आइए दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इस बेसन बेसन का घोल बना के और उसे उसे कुकर में, टिपन में रख के कुकर में उबाल लिया था। ये देखिए, हाँ बंद हो गया, पानी हो गया। ये देखिए इसे हमने उबाल लिया था। तो अब हम इसे कुकर में से निकाल रहे हैं, दो सीटी मार दी थी। ये देखिए, हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे इसे काट के ना, ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के बाद वही नॉर्मली मसाला, धनिया, मिर्चा, टमाटर, प्याज, लहसुन, इन सबको हमने चॉप कर लिया, मतलब बारीक बारीक कर लिया। और बारीक करके काट के रख लिया है। और अब हम इसे जा रहे हैं कढ़ाई में भूनने। चलिए हम आपको दिखाते हैं। और हम पहले अपना मोबाइल कहाँ रखे हैं जगह ही नहीं है कहीं रखने की, गिर जाएगा, गिर ना जाए, गिर जाएगा। ये देखिए, हमने गैस पे अपनी कढ़ाई रख दी है। अब हम अपनी गैस जलाएंगे। ये देखिए, हमने गैस जला ली है। और ये हमने अपना पहले से ही तैयार करके रखा था, इसमें टमाटर, लहसुन, मिर्च, अदरक, ये सब है, प्याज, ये सब हैगी इसमें। और अब हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल है ये गाँव में तो आसानी से मिल जाता है, शहरों में नहीं मिलता है। गरम हो रहा है, ये देखिए, हाँ अपना ये निकाल लेंगे जो हमने कुकर में डाल के उबाला था। ये देखिए, एकदम कितना अच्छा टेक्सचर निकला है। तो अब हम इसे कर लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे तरीके से कट हो रहा है दोस्तों। इसके पीसेस बर्फी की तरह। इसमें हमने नमक और थोड़ा सा मसाला ऐड किया है, नमक, हल्दी और धनिया और हल्का सा गरम मसाला ऐड किया है। हमारे एकदम बर्फी की तरह निकला है ये, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इधर देखिए, हमारा तेल भी गर्म हो गया है। और अब हम इसमें पेस्ट बना रखा है, हमने जो कर दिया था ब्रेन, तो हम इसे डाल दे रहे हैं। हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें ही और बर्तन ज़्यादा यूज नहीं करेंगे हम, इसमें ही अपना मसाला निकाल लेते हैं। तो ये हमारा धनिया पाउडर है, ये बड़े चम्मच से आधा चम्मच धनिया पाउडर। और ये
थोड़ी सी हल्दी और ये हमारा मसाला है मिक्सर राजेश मसाला, वो डाल देंगे बस। और कुछ तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसी में अपनी सब्जी कंप्लीट करेंगे। तो इसे थोड़ा पानी डाल के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अपने मसाले को कढ़ाई में फ्राई करते हैं। जब तेल छोड़ने लग जाए ये तब समझ लेना ये अच्छे से भुन गया है। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, ब्राउन ब्राउन सा हो गया है ये देखिए। तो अब मतलब अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया था मसाले का ये डाल देंगे। तो इसे भी हम 2 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा मसाला भुन चुका है, ये देखिए तेल हमारे मसाले में ऊपर तक आ जा रहा है, ये देखिए। तो अब जो हमने ये बनाई है बर्फी, ये हमारी बर्फी, इसे हम इसमें डाल देंगे और डाल के चलाएंगे थोड़ी सी देर, मतलब मिक्स कर लेंगे। वैसे चाहो तो आप लोग इसे ऐसे भी खा सकते हो एकदम सूखा, लेकिन हमें तरी वाली पसंद है। मैंने इसमें नमक डाला नहीं है क्योंकि इसमें बर्फी में नमक डाला हुआ है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे तरी लगा के, ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसका, नहीं तो आप इसमें हल्की सी तरी लगा सकते हैं, तरी लगा के फिर स्वाद अनुसार आप अपना नमक डाल सकते हैं इसमें। इसे हम 5 से 7 मिनट उबालेंगे ताकि ये हमारा जो पानी है वो अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार जितना हमें चाहिए होगा। अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो आप इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमारे पास ये दोनों ही नहीं है तो इसलिए हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, बस सिंपली बना रहे हैं। अब इसे ढक देते हैं, गैस को थोड़ा तेज कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी ये सब्जी बनके तैयार है, कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है ये देखिए, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और हमने गैस का फ्लेम भी ऑफ कर दिया है, ये देखिए। अगर आपके पास इस धनिया पत्ती हो तो इसमें धनिया पत्ती डाल दीजिए, नहीं तो मेथी हो सूखी कस्तूरी मेथी होती है वो डाल दीजिए। तो हमारे पास इन दोनों में से कोई नहीं है तो हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो ये देखिए गाँव में दोस्तों सब्जी मिल जाए वही बड़ी बात होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय दोस्तों, राधे राधे।